हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के सत्रह अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि भावना का संबंध यदि हम लोगों का दिया गया है कुत्ता तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर लिखा है चिड़िया तो इस जगह पर कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में से भरा जाएगा और भी प्रश्न है दोस्तों ये देखिए है कि श्रृंखला को पूरा करें यानी कि सात उन्नीस बयालीस सतासी और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा और भी प्रश्न है दोस्तों देखिए छप्पन का संबंध इकतालीस अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था उसी प्रकार से चौरानवे का संबंध किससे होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पार्ट नंबर हम लोगों का एक है जिसने पार्ट सौ तक नहीं देखे हैं, तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों चाहे वह एसएससी एस का एस्पायरेंट हो बैंक रेलवे सीजीएल एलपी टेक्नीशियन एमटीएस सीएचएसएल सीपीओ एसएससी जीडी सीआईएसएफ एल सी पी ओ एस एस सी जी यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पुलिस दरोगा नेवी अग्निवीर जी बैंक पीओ क्लर्क ग्रुप डी एन टी पी सी आर पी एफ आर्मी एस एस बी आई टी बी पी सी आर पी एफ या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो बिहार सचिवालय बिहार पुलिस यू पी एस आई दिल्ली हेड कॉन्स्टेबल राजस्थान पुलिस हरियाणा पटवारी एल एस एम टी एस हवलदार किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्जाम के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे और इन सभी क्वेश्चनों का पी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों यहाँ पर जैसे लिखा है देखिए भौकना का संबंध हम लोगों का क्या लिखा है कुत्ता लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह और चिड़िया लिखा है तो इस जगह पर क्या भरा जाएगा तो देखिए और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि सत्रह में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कुत्ता हम लोगों का

नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया श्रृंखला अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया बहुत सारा स्टैंड देखते ही स्किप कर देंगे सर हमसे नहीं हो पाएगा लेकिन तरीका बताते हैं जैसे देखिए लिखा है दोस्तों हम लोगों का सात उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है उन्नीस उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का बयालीस उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का सतासी और यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे और क्या तरीका है लगाने का ये तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे दिया गया है हम लोगों का कैसे लिखा है

साथ इसमें भी वही करेंगे गुना दो कर देंगे आप प्लस क्या कर देंगे हम लोग तीन कर देंगे ये देखिए बयालीस दोनों क्या होता है चौरासी और चौरासी तीन क्या हो जाएगा सतासी उसी प्रकार से आगे जैसे क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा तो वही काम होगा यानी कि गुना दो हो जाएगा और प्लस इस बार क्या होगा दोस्तों हम लोगों का दो हो जाएगा क्योंकि देखिए गुना दो एक बार पाँच गुना दो एक बार चार गुना दो एक बार तीन गुना दो एक बार क्या होगा दो होगा तो जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का सतासी दुना क्या होता है तो सतासी दुना अगर नहीं जान रहे तो आप यहाँ पर गुना कर लीजिए इसमें दिक्कत क्या है कि सतासी गुना दो करेंगे सात दुना चौदह करीब चार असिल रहा है एक आठ दुना सोलह एक क्या हो जाएगा सत्रह यानी एक सौ चौंसठ एक सौ चौंसठ में आ, अच्छा अच्छा सतासी और गुना क्या दोस्तों हम लोगों का दू करना है तो सात दुना चौदह करी चार हासिल रहा है एक आठ दुना सोलह और अच्छा अच्छा यहाँ पे सोलह आठ दुना सोलह हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा दोस्तों सत्रह तो एक सौ चौहत्तर एक सौ चौहत्तर में दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक सौ छिहत्तर दोस्तों सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे बस तरीका को समझना प्रश्न को रटना नहीं है यहाँ पर हुआ क्या देखिए सात से उन्नीस पे जाएंगे तो गुना दो प्लस पांच क्योंकि सात दुना चौदह पांच उन्नीस उसी प्रकार से उन्नीस से बयालीस पे गया तो उन्नीस दुना अड़तीस और गुना चार कर देंगे उसी प्रकार से हम लोग सतासी पे जाएंगे तो बयालीस दोना क्या हो जाएगा चौरासी आप प्लस तीन जोड़ देंगे उसी प्रकार सतासी गुना दो आप प्लस दो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा एक सौ छिहत्तर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखवे क्या है कि बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत कर देगा ये देखिए मान के चलिए कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों छप्पन मान के चलिए और यहाँ पर जैसे लिखा हम लोगों का इकतालीस ठीक है और यहाँ पर दिया गया समानुपात का और यहाँ पर लिखा हम लोगों का आ, चौरानवे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि हुआ क्या और कैसे करेंगे आखिर छप्पन से यदि इकतालीस गया है तो मान के चलिए बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे कि इसमें घटाएंगे तो इकतालीस इधर हो जाएगा नौ छः क्या दोस्तों पंद्रह तो यहाँ पर निसंदेह हम लोगों का क्या किया है कि पंद्रह घटाया तो ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग पंद्रह घटा देंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा क्या अगर देख लेते हैं एक बार जैसे ही पंद्रह घटाएंगे तो एक दाए दस चार चौदह चौदह में पाँच जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ये देखिए तो जैसे ही करेंगे एक दस चार, हाँ, तो नौ हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों नौ हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का अगर यहाँ देखिए कि पंद्रह घटाना तो एक दाए दस चार चौदह चौदह में पांच गया तो नौ इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आठ हो जाएगा तो देखिए नवासी यहाँ पर हो रहा है कि नवासी में जैसे ही पंद्रह जोड़ेंगे तो नौ पाँच हाँ तो बिल्कुल हो रहा है सर तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ये आ, यहाँ पर जैसे ही पंद्रह घटाना तो एक दाए दस चार चौदह पाँच जाएगा नौ इधर हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का सही हो जाए नहीं नहीं यहाँ पर कैसे होगा यहाँ पे तो अच्छा दिया है तो हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों तो सही हो जाएगा बस निसंदेह हम लोगों को क्या करना था कि सर इसमें हम लोगों को पंद्रह जैसे ही घटाएंगे तो देखिए जैसे ही पंद्रह घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर नवासी हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे बस तरीका को समझना है प्रश्न को रटना नहीं बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके लिए माफी चाहता हूँ देखिए यहाँ पर हम लोगों का घटाने में गलती हुआ दोस्तों इसके लिए माफी चाहते हैं कि छियानवे से छप्पन से जैसे ही इकतालीस जाएगा इसके लिए माफी चाह रहे हैं कि हम लोगों का यहाँ पर चौरानवे जैसे करेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो इस प्रश्न का आंसर ये वाला नहीं होगा क्योंकि घटाने में वहाँ पर क्या हो रहा है गलती हो रहा है तो देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर ये नहीं होगा आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर वो बात बताते हैं

एक ग्यारह हो जाएगा तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा इकतालीस हो जाएगा तो देखिए यही इकतालीस हम लोगों का यहाँ पर लिखा है तो बिल्कुल सर हम लोग समझ गए कि आखिर कैसे लिखा है तो उसी प्रकार से यहां पर कर दीजिए दोस्तों आपको घबराना नहीं देखिए यहां पर जैसे लिखा है तो यहां पर हो जाएगा नौ अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का चार हो जाएगा अब ब्रैकेट बंद अब प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे नौ और प्लस क्या कर देंगे चार कर देंगे तो जैसे ही करेंगे तो नौ चुके छत्तीस और प्लस यहां पर करेंगे तो नौ चार क्या हो जाएगा तेरह तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा तो यहां पर उनचालीस हो जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन मार्क की जगह उनचालीस आएगा यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अगर देखा जाए हम तो लोगों का कौन सा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर अच्छा आ, यहां पर ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे छत्तीस और तेरह क्या हो जाएगा तो ये देखिए यहाँ पर जोड़ने में अथी हो रहा है तो उन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों उनचास हो जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा हम लोगों का उनचास यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों ए वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर इसके लिए अनावासी कहते थे इसके लिए गलती हो गया था इसके लिए माफी तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है क्योंकि बहुत सारा इस तरीके से कर रहे थे इसीलिए वहां पर आंसर क्या हो जाएगा ए सही होगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है ये देखिए, यहां पे कर रहा है दोस्तों हम लोगों का दिया गया है कि ए सी का क्या है पिता है तो जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए यानी कि हम लोगों का ए जो है वो किसका है दोस्तों करा है कि सी का पिता है तो सी का पिता है यानी कि पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लेंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लेंगे तो ठीक है सर यानी कि ए जो है वह सी का पिता है और करा है कि डी जो है हम लोगों का बी का बेटा है यानी डी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है डी जो है हम लोगों का बी का बेटा है तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं डी जो है हम लोगों का बी का बेटा तो बेटा है यानी पुरुष जेंडर है तो उसके लिए प्लस लग जाएगा उसके बाद ये ई e जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों कि ई e जो है वह ए का भाई है यानी ई e जो है तो इधर कर लेते हैं दोस्तों इस जगह पे ई e कर देते हैं ई e जो है हम लोगों का क्या बोला है कि ई e जो है वह ए का क्या है दोस्तों भाई है तो भाई है तो यहाँ पर कर देते हैं पुरुष है तो पुरुष जेंडर के लिए प्लस उसके बाद फिर कह रहा है कि सी जो है हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों कि सी जो है वह डी की बहन है यानी सी जो है वह डी की क्या है बहन है देखिए दोनों भाई बहन हो गया यानी सी जो है दोस्तों डी की क्या है भाई बहन हो गया तो इसका अर्थ यहाँ बोल दिया कि सी जो है डी की क्या है बहन है तो बहन है तो इसका अर्थ ई दोनों हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि पति और पत्नी हो जाएगा यानी ए और बी हम लोगों का क्या हो जाएगा पति पत्नी हो जाएगा देखते चलिए कि ए और बी क्या हो जाएगा पति पत्नी क्योंकि वहाँ बोल दिया कि सी जो है डी की बहन है तो सी जो है डी की बहन है तो यहाँ पर बहुत सारा एक्सन गलती कर देते हैं इसी वजह से यहाँ पे क्लियर कर दिया कि सी जो है डी की बहन है तो इसका अर्थ ई दोनों भाई बहन है तो इसका अर्थ ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों पति पत्नी हो जाएगा तो वही कह कि बी का के साथ क्या संबंध आखिर बी का जो है हम लोगों का जब ई पति पत्नी हो गया ई दोनों पति पत्नी हो गया तो कह रहा है कि हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों बी का ई के साथ क्या संबंध है तो बी जो है ई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा दोस्तों ई दोनों जब भाई है तो ई का क्या लगेगा हम लोगों का वही ई के साथ तो ई का कौन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का भाभी हो जाएगा यानी इससे पूछ रहा है ई का ई कौन लगेगा ई का ई कौन यहाँ से पूछा है से लगा है तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा भाभी यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा आप अच्छे से समझ लीजिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि

अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि समिश्र यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा जैसा गोला इस तरीके से बनेगा और वो क्या हो जाएगा दोस्तों समिश्र संख्या हो जाएगा यानी कि ई क्या हो जाएगा हम लोगों का समिश्र इसको कर लीजिए यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं कि स और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का मिश्र यानी कि समिश्र संख्या इसको कर लीजिए समिश्र असंख्या तो ठीक है समिश्र संख्या के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों हम लोगों का देखिए समिश्र संख्या के अंदर में क्या आएगा पूर्णांक आएगा तो उसको कर दीजिए दोस्तों यानी कि एक आ, आ जाएगा हम लोगों का क्या आ जाएगा पूर्णांक आ जाएगा तो यहाँ पे कर लेते हैं कि पूर्णांक देखिए इसका कौन सा डायग्राम बनेगा काफी इंपॉर्टेंट पूर्णांक आ जाएगा अब पूर्णांक के अंदर में फिर कौन आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का प्राकृतिक संख्या तो इस तरीके से हो जाएगा यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी एक गोला के एक गोला के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों सब इस तरीके से समाएगा यानी कि इसका इसके अंदर जाएगा फिर इसका इसके अंदर में जाएगा और इस तरीके से बनेगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि सबसे पहले होगा हम लोगों का समिश्र संख्या समिश्र संख्या के अंदर में आ जाएगा पूर्णांक और पूर्णांक के अंदर में क्या आ जाएगा दोस्तों प्राकृतिक संख्या हो जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारा स्टूडेंट देखते हैं गलती कर देते हैं कि सर यहाँ पर होगा तो होगा क्या

करे कि लुप्त अंग ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है इस जगह पर क्या आएगा इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा भरा जाएगा तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा या तो आप ऐसे चल दीजिए दोस्तों कि आखिर हम लोगों का छियासी और बहत्तर को क्या करेंगे जो कि छत्तीस आ जाए उसी प्रकार से चार सौ को क्या करेंगे यहाँ हो जाए या अड़तीस और इक्कीस को हम लोग क्या करेंगे जो बारह हो जाए या आप फिर कैसे चल सकते हैं अगर इस तरीके से नहीं चलेंगे तो फिर हम लोग इधर से चल सकते हैं आखिर ऐसा क्या करेंगे 86 और हम लोग 38 को जो कि 480 आ जाए उसी प्रकार से 72 21 को क्या करेंगे जो कि 510 हो जाए उसी प्रकार 36 और इसको क्या करेंगे जो कि यहां पर आ जाए तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या और ऐसे इस प्रश्न का आंसर कैसे आएगा तो जरूर एक बार ट्राई कर लीजिए यहां पर हुआ है दोस्तों इधर से ही चला और इधर से ही चला और कैसे चला देखिए आपको तरीका बताते हैं यहां पर हुआ क्या कि उसने क्या क्या ईद यहां पर लिख दिया है दोस्तों छियासी और माइनस क्या कर देंगे अड़तीस कर देंगे छियासी और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों अड़तीस कर देंगे और गुना क्या कर देंगे हम लोग दस कर देंगे बस यही काम करना था ईद जैसे छियासी में से अड़तीस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक दही दस छः सोलह सोलह में आठ जाएगा तो यहाँ पर आठ हो जाएगा और इधर बचा दोस्तों हम लोगों का सात में तीन जाएगा तो चार अड़तालीस हो गया और अड़तालीस गुना दस कर देंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों चार सौ अस्सी हो जाएगा देखिए पहला वाला आ गया उसी प्रकार से हम लोग अब दूसरा वाला कर दीजिए दोस्तों देखते चलिए आप ध्यान से बस रटना नहीं है अब इसमें आप चल दीजिए ले लेंगे हम लोग क्या ले लेंगे दोस्तों बहत्तर उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों इक्कीस कर देंगे बहत्तर माइनस क्या कर देंगे इक्कीस यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अब गुना कर देंगे दस ये दस कहां से आया था अपने मन से लाए क्यों लाए क्योंकि हम लोगों को उतना पुराना था तो जैसे ही इसको घटाएंगे तो दो में एक जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा

इसका हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पर चल देते हैं देखिये छत्तीस माइनस क्या कर देंगे दोस्तों छत्तीस और माइनस क्या कर देंगे बारह कर देंगे अगुना क्या करेंगे हम लोग दस कर देंगे देखते चलिए ध्यान से तभी आपको समझ में आएगा अन्यथा फिर नहीं आ पाएगा कि छत्तीस में बारह जाएगा तो क्या हो जाएगा चौबीस हो जाएगा तो चौबीस आ गुना हम लोग दस कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हम लोगों का दो सौ क्या 40 आ जाएगा चालीस आ जाएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों दो सौ चालीस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे यानी फर्स्ट वाला लास्ट संख्या घटा के गुना दस कर दिया है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला संख्या घटा के गुना दस कर दिया है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका दो चालीस क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया सातवां नंबर क्वेश्चन इधर जैसे लिखा है यहाँ पर एक संबंध दिया गया है कि W पहले लिख लीजिए दोस्तों कि W उसके बाद लिखा है हम लोगों का T उसके बाद हम लोगों का लिखा है Q और यहाँ पर इस अनुपात का चिन्ह लिखा है D उसके बाद G और क्या लिखा है हम लोगों का J और यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लिखा है उसके बाद लिखा है N उसके बाद K और क्या लिखा एच और यहाँ पर लगाया है क्वेश्चन मार्क इस जगह पर क्या आएगा तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे दोस्तों आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे ये देखिए डब्लू से यदि हम लोग जाएंगे डी पे तो क्या क्या है यानी कि उल्टा क्रम यानी डब्लू का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों डी यानी विपरीत क्रम एक बात बता देना चाहते हैं ए का उल्टा क्रम क्या होता है जेड होता है इस तरीके से बी का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों वाई होता है सी का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है यानी सी का उल्टा क्रम एक्स होता है उसी प्रकार से डी का उल्टा यानी विपरीत क्रम

यानी कि उसी प्रकार से जब इसका उल्टा क्रम हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा एन का उल्टा क्रम क्या होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे ही कर देंगे कि एन का उल्टा क्रम क्या होता है हम लोगों का एम एन का जैसे ही उल्टा क्रम करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा एम हो जाएगा तो निसंदेह आप एन का उल्टा क्रम यहाँ पे क्या लिख देंगे एम उसी प्रकार के का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों जैसे ही निकालेंगे तो के का उल्टा क्रम हम लोगों का पी होता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों का पी लिखा जाएगा उसी प्रकार से एच का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है दोस्तों तो एच का उल्टा क्रम हम लोगों का क्या होता है एस होता है तो यहाँ पर एस हो जाएगा यानी कि एम पी और क्या हो जाएगा दोस्तों एस एम पी एस ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे यानी उल्टा क्रम जिसको आप लोग क्या बोलते हैं उल्टा क्रम जिसको बोलते हैं दोस्तों आप विप्रार्थक क्रम यानी कि विपरीत क्रम या उल्टा क्रम बोलिए या क्या बोलिए दोस्तों विपरीत क्रम बोलिए ये दोनों का इसी तरीके का यहाँ पर संबंध लिखा है इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा निकल जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें यानी इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा ये बात आपको बताना है तो देखिए जैसे ही हम लोग करेंगे यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है तो जैसे ही दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे ये देखिए ये बात बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा यानी कि सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर जब आईना इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर इस फिगर को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सा हम लोगों का फिगर इस तरीके से आईना में देखने के बाद बनेगा तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों का आईना इस जगह पर लगाया यानी कि नीचे में उसने आईना लगाया है तो आईना पर जो जितना दूरी पर है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा अगर देखिए हम लोगों का दाया हाथ देखते हैं तो बाएँ हाथ दिखता है और बाएँ हाथ देखते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता दा, है दोस्तों दाएँ हाथ बनता है यानी जैन। कहने का मतलब अगर पहले काला वाला भाग है तो हम लोगों का पहले क्या बनेगा दोस्तों काला वाला भाग बनेगा यानी कि इस तरीके का फिगर बनेगा किस तरीके का बनेगा दोस्तों ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिए कि यानी कि सबसे पहले आईना में इस तरीके से एक है सर और इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से हम लोगों का इस जगह पे एक इसमें ऐसे कर दिया है तो काला वाला भाग यहाँ पे चल जाएगा तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों काला वाला भाग यानी कि पेंट कर देंगे इस तरीके से आएगा दोस्तों यानी कि काला वाला भाग हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा देखते चलिए आप ध्यान से यानी कि पहले क्या होगा दोस्तों हम लोगों का काला वाला भाग आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोगों का वो त्रिभुज बनेगा तो उस त्रिभुज को यहाँ पर बना दीजिए दोस्तों यानी कि यहां पर क्या बन जाएगा हम लोगों का त्रिभुज बनेगा तो इस त्रिभुज को यहां पर बना दीजिए यानी कि ऐसा एक त्रिभुज बन जाएगा इसी जगह पे यानी कि इस जगह पर क्या बनेगा दोस्तों एक त्रिभुज बन जाएगा तो ऐसे कर लीजिए यहां से ऐसे कर देंगे और इधर से ऐसे कर देंगे और एक यहां से ऐसे कर देंगे और इसी में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों डंटा 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 दिया है तो यहाँ पर इस तरीके से एक डंटा हो जाएगा इस तरीके से करने के बाद इस तरीके से और इस तरीके का बनेगा और इसको एक हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों बक्सा के अंदर इस तरीके से ले जाके इसको बंद कर देंगे तो देखिए कहाँ बन रहा है तो हम लोगों

क्वेश्चन कर है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें भिन्न का मतलब दोस्तों इन चारों में से एक अलग है तो कौन सा अलग है वही बात बताना है तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा तो ये देखिए हम लोग जैसे ही लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे सफ़ेद जैसे हो गया सफ़ेद के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों लाल हो जाएगा लाल के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा हरा हो गया तो ये सभी क्या है दोस्तों रंग है यानी कि सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे रंग के अंतर्गत इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा लेकिन सफेद हो गया लाल हो गया हरा हो गया ये सभी एक रंग है तो इसीलिए यहाँ पर भिन्न क्या हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बस आपको समझना होता है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है यहां पर गौर कीजिएगा वही पूछ रहा है कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है तो देखिए जैसे हम लोग इसी में एक एक लेटर मिलाइए इसमें कौन कौन लेटर मिल रहा है जोन टो लेटर नहीं मिल रहा अगर कोई लेटर डबल बार कर दिया है तो वही तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो ये देखिए जैसे हम लोग देखेंगे आर तो आर मिल रहा है क्या सर हाँ सर यहाँ पर तो आर लिखा है उसके बाद ए तो ए है क्या तो ए ढूंढते हैं जैसे हाँ सर ये देखिए यहाँ पर ए मिल रहा है उसके बाद हम लोगों का आई मिल रहा है आई भी मिल रहा है एस भी मिल रहा है ई भी मिल रहा है ई बनाया जा सकता है उसके बाद जी आई एस टी तो जी कहीं दिख रहा हाँ सर जी उसके बाद आई एस और टी तो ई भी बनाया जा सकता है

प्रयोग क्या है आर और ई यहां पे लिख लीजिए दोस्तों कि आर और ई दो बात लिख देंगे आर और ई का आ, आ, आर और ई का प्रयोग दो बार किया है यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों आर और ई का प्रयोग जो है हम लोगों का कितना बार किया है दो बार किया मेंशन कर देंगे कि दो बार किया है इसीलिए इस प्रश्न का आंसर दो बार किया है इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा क्यों क्योंकि आर और ई दो बार लिख दिया बल्कि वहां पर और आर ई एक के बार इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया ग्यारहवा नंबर क्वेश्चन देखिए जैसे एक सीरीज टाइप में दिया हुआ है तो जैसे लिखा है हम लोगों का ए उसके बाद लिखा हम लोगों का डी उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एच उसके बाद लिखा है एम उसके बाद लिखा है एस और उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो देखिए यहां पर इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा ये तरीका बताते हैं आखिर हुआ क्या और इस प्रश्न का आंसर होगा तो कैसे होगा कि ए से यदि हम लोग डी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा किस में ए बी सी डी में तो सर ए से यदि डी पे जाएंगे तो हम लोगों का निस्संदेह कितना लेटर जोड़ना होगा तीन लेटर क्यों क्योंकि ए के बाद हम लोगों का बी सी डी तो बिल्कुल सर उसी प्रकार से ई देखिए यहां से यदि यहां पर जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा तो डी के बाद होता है हम लोगों का ई एफ जी एच तो यहाँ पर निसंदेह चार लेटर जोड़ा है उसी प्रकार से एच से यदि एम पे जाएंगे जाएंगे तो देखिए एस के बाद आई जे के एल एम तो यहाँ पर पांच लेटर जोड़ा है उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोग छः लेटर जोड़ देंगे और आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो सात लेटर जोड़ देंगे किसमें ए बी सी डी में जैसे ही सात लेटर एस के बाद क्या होता है हम लोगों का टी यू B W X Y Z तो इस तरीके से करने के बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों Z तो हो जाएगा क्योंकि सात लेटर जैसे ही उन्नीस में सात जोड़ेंगे छब्बीस हो जाएगा क्योंकि S का उन्नीस तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा दोस्तों तो सही हो जाएगा उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है जैसे दिया गया दोस्तों कर दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित का, मतलब का कौन सा होगा कि भूमिका आता है कि, कि, कि विषय सूची आता है कि प्रस्तावना होता है उस तरीके से यानी कि इस तरीके का प्रश्न काम पर आधारित होता है कि सबसे पहले हम लोगों का काम होगा तो क्या होगा यानी काम पर आधारित प्रश्न दिया है कि काम सबसे पहले क्या होगा या आप छोटा से क्या चलेंगे दोस्तों बड़ा की ओर चलेंगे इस तरीके से चलेंगे तो आखिर क्या किया है तो देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे अगर आप कोई सा भी किताब यदि आप एन जैसे कि टेंथ से नीचे पढ़े होंगे तो उसमें सबसे पहले क्या मिलेगा दोस्तों हम लोगों का प्रस्तावना रहता है जैसे हम हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संबंध इस तरीके से लिखा रहता है सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा दोस्तों हम लोगों का प्रस्तावना आता है देखिए ना आप बच्चों का जो किताब है एन जो स्कूल में पढ़ते हैं सरकारी स्कूल उसमें जो है सबसे पहले हम लोगों का प्रस्तावना ही लिखा रहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण इस तरीके से लिखा है तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना होगा यानी कि चार नंबर पहले आएगा उसके बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों जैसे ही उसको देखते हैं उसके बाद हम लोगों का विषय सूची लिखा हुआ रहता है कि विषय सूची दिया हुआ रहता है कि इस हम लोगों का एक तरीके से विषय सूची यानी कि इस यहाँ पर ये है ये है इस तरीके से दिया रहता है यानी कि दो जाएगा उसके बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों अध्याय आता है यानी विषय सूची नहीं दिया रहता है कि हाँ इस चैप्टर में इस चैप्टर ये यह पार्ट यहाँ पर मिलेगा पेज नंबर इतना में तो उस तरह विषय सूची रहता है उसके बाद फिर हम लोगों का अध्याय चालू हो जाता दोस्तों? है दोस्तों यानी एक नंबर अध्याय दो नंबर अध्याय तीन नंबर तो इस तरीके से होगा उसके बाद हम लोगों का क्या रहता है दोस्तों हम लोगों का अच्छा अच्छा यहाँ पर जैसे अच्छा यहाँ पर उसके पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा विषय सूची के बाद भूमिका आ जाएगा क्या आ जाएगा दोस्तों तो तो भूमिका आ जाएगा भूमिका के बाद हम लोगों का आ जाएगा दोस्तों अध्याय तो तो यानी देखिए ना भूमिका सबसे पहले चैप्टर से पहले देखिए हिंदी सब में क्या होता है कि हिंदी में देखिएगा पहले ही हम लोगों का दिया है भूमिका उसके बाद हम लोगों का अध्याय स्टार्ट करता है तो इस तरीके से भूमिका हो जाएगा फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों अध्याय हो जाएगा और फिर इस तरीके से तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो तो जाएगा दोस्तों सही हो तो जाएगा काफी इंपॉर्टेंट है

प्रश्न का आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट ये देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों का अगर हम लोगों का लिख रहा है कि एक कोड दिया है जैसे सी ए एम ई एल को लिखा है एम एफ एन और बी डी लिखा जाता है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि टाइगर को किस तरह यानी कैमल को इस प्रकार से लिखा है तो टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या है जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले कर लीजिए सी उसके बाद ए उसके बाद हम लोगों का एम उसके बाद लिखा है दोस्तों ई e और क्या लिखा है हम लोगों का एल लिखा है तो इसी को कैसे लिखा है तो यहाँ पर कर लेते हैं यानी कि हम लोगों का लिखा है तो कैसे लिखा है यानी कि एम उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ उसके बाद लिखा है एन उसके बाद लिखा है हम लोगों का बी और क्या लिखा है डी तो उसी प्रकार से कह रहा है कि टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा तो यहाँ पे कर लीजिए देखिए टी आई उसके बाद हम लोगों का जी उसके बाद है दोस्तों ई e और क्या लिखा जाएगा आर तो इसको कैसे लिखेंगे तो ये यह देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हुआ क्या है और कैसे करेंगे ये देखिए एक तरीके से आपको सोचना होगा कि यहाँ पर लिखा है तो क्या लिखा और आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है तो ये देखिए जैसे ही देखेंगे दोस्तों कि यहां पर अगर हम लोग इस तरीके से दिमाग लगाएंगे तो आखिर लिखा है तो कैसे लिखा है तो ये देखिए यहां से इस तरीके से चलाया उसने किस तरीके से चला है दोस्तों इस तरीके से इधर से चल देंगे कि एल से यदि एम पे जाएंगे तो हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा तो यहां पर क्या करना होगा दोस्तों प्लस वन करना होगा एल से यदि एम पे जाएंगे तो प्लस वन उसी प्रकार से ई e से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों एफ पे जाएंगे तो प्लस वन उसी प्रकार एम से यदि एन पे जाएंगे तो प्लस वन ए से यदि बी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वन और सी से यदि डी पे जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों प्लस वन यानी सब में क्या किया है प्लस वन लेटर कर दिया यानी कि इधर से हम लोगों का एक एक लेटर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा पीछे से यानी सब में क्या है, क्या है प्लस वन लेटर का वृद्धि कर दिया एक के बार कर दिए तो उसी प्रकार से दिया में यदि जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा ई में यदि एक लेटर हम लोग जैसे कर देंगे तो ई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों एप हो जाएगा देखते चलिए कि एस उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा एप जी में एक लेटर जैसे ही कर देंगे दोस्तों तो जी के बाद क्या होता है हम लोगों का एच हो जाएगा यानी कि यहाँ पर एच हो जाएगा आई के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों जे हो जाएगा और उसी प्रकार टी के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों का यू हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर यानी कि एस एप देखिए तो एस एप उसके बाद एच तो एस एप एच उसके बाद जे और यू एस एप एच देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों एस उसके बाद हम लोगों का एप एच जे यू ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बस आपको समझना यदि आप ऐसे नहीं समझे तो दूसरा तरीका से आप आ, समझ सकते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बस घबराना नहीं कि आखिर लिखा है तो लिखा है निसंदेह आप ऐसे कर लीजिए सी ए जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों का एम उसके बाद ई e और एल तो ऐसे लिख लीजिए अगर इसको लिखना अगर आपको दिक्कत हुआ तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एम उसके बाद एफ उसके बाद हम लोगों का एन उसके बाद हम लोगों का बी और क्या दोस्तों डी और यहाँ पर जैसे इसका निकालना है तो टाइगर का तो इस जगह लिख लीजिए टी उसके बाद हम लोगों का आई उसके बाद जी उसके बाद ई और क्या दोस्तों आर तो इसका

से आर में यदि आप प्लस वन कर देंगे दोस्तों तो यहां पर क्या हो जाएगा आर में जैसे ही प्लस वन करेंगे तो एस हो जाएगा उसी प्रकार से ई में यदि आप प्लस वन कर दीजिएगा दोस्तों तो ई तो में जैसे ही प्लस वन करेंगे तो ई के बाद क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा उसी प्रकार से जी में यदि आप प्लस वन कर दीजिएगा दोस्तों तो, तो जी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा एच हो जाएगा तो यहाँ पर निसंदेह कर सकते हैं जी के बाद हम लोगों आई में प्लस वन कर देंगे दोस्तों तो आई में जैसे ही प्लस वन करेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा आई के बाद जे हो जाएगा तो यहाँ पर कर लीजिए जे और टी में जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यू हो जाएगा तो प्लस वन कर देंगे और यहाँ पर यू लिख देंगे ऊपर तो देखिए एस एच पहचान है। में से आपको बताना है कि कौन सा एक विषम है इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है उसके बाद कहीं घन तो नहीं दिख रहा है अगर उस तरीके से नहीं दिख रहा है तो कहीं अभाज्य संख्या तो नहीं लिखा है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना होता है या सम विषम का लगा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का यदि हम लोग आंसर निकालेंगे दोस्तों यहाँ तो कहीं स्क्वायर दिख ही नहीं रहा सर लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो उस तरीके से सोचना होगा कि पहले कहीं स्क्वायर के नजदीक तो नहीं तो ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है बेरासी को कैसे लिखा है ईद के यहाँ पर कर दिया दोस्तों आठ का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों यानी कि अच्छा आठ का नहीं बल्कि यहाँ पर नौ का स्क्वायर हो जाएगा ये देखिए उसी फॉर्मेट में लिखा है नौ का स्क्वायर अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों वन कर देंगे तो बिल्कुल हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों

कि करा कि अंग्रेजों ने सभी चलचित्र हिंसा करा कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र जो है करा हिंसात्मक होते हैं यानी अंग्रेजी के जितने भी चलचित्र यानी फिगर होते हैं वो काफी क्या होते हैं हिंसात्मक होते हैं करा कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है तो ठीक है देखने में अच्छा लग रहा है तो ठीक है निष्कर्ष में लिखा है कि करा कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसक अच्छी लगती है यानी यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों सभी लोगों को हिंसा कर रहा है कि अच्छी लगती है बात क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा वहां पर कर अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं कुछ लोगों को अंग्रेजी चलचित्र देखना अच्छा लगता है वहां पर क्या लिखा है कि कुछ लोगों को और यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोगों को हिंसा अच्छी लगती है तो ये बात गलत हो जाएगा फिर दूसरा में लिखा है दोस्तों कि जिन लोगों को हिंसा अच्छी लगती है वे सभी यहाँ भी देखिए वे सभी कर दिया है जबकि वहाँ पे लिखा था कुछ और वहाँ पर सभी तो कहीं चर्चा हुआ ही नहीं है वहाँ पर सिर्फ ये लिखा है कि अंग्रेजी के सभी चलचित्र हिंसात्मक होते हैं यानी अंग्रेजी के जितने भी चलचित्र है वो सभी हिंसात्मक और यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले सभी लोग को हिंसा अच्छी लगती है ये बात कैसे हो रहा है इसलिए दोनों का दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब बहुत सारा स्टैंड क्या कहेंगे नहीं सर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा यानी कि या, अच्छा अच्छा यहाँ पर ये वाला हो जाएगा यानी दोनों तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा और बहुत सारा इसी को लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी जो कि सरासर क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा आप अच्छे से कथन को पढ़िए और देखिए निष्कर्ष को कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर निकलेगा बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बस एक बार कथन को पढ़ लीजिए और दिमाग में रखिए और अपने मन से मत कीजिए क्योंकि कथन को पढ़ के ही निष्कर्ष निकाला जाता है इस तरीके के प्रश्न इसीलिए नब्बे स्टूडेंट से गलती हो जाता है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है सोलह नंबर कि श्रृंखला को पूरा करें तो श्रृंखला को पूरा करें यानी कि ये जो डैश डैश लिखा है दोस्तों यहां पर क्या आएगा यही बात आपको बताना तो देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के क्वेश्चन दिया गया कि श्रृंखला को पूरा करें तो जैसे ही श्रृंखला को पूरा करें तो यहाँ पर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न आपको सबसे पहले इस सीरीज को लिख लेना है जैसे डैश उसके बाद डबल बी उसके बाद हम लोगों का लिखा है एम उसके बाद ए उसके बाद लिखा है दोस्तों एम उसके बाद बी उसके बाद डैश उसके बाद लिखा है एम उसके बाद डैश उसके बाद ए और डैश और डबल बी और उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों के सामने एम लिखा हुआ है तो देखिए इस तरीके से दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम हम लोग कैसे करेंगे वही बात आपको बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए कि टोटल कितना लेटर और डैश है तो देखिए जैसे काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह स यहाँ पर आ, क्या को हो जा रहा है हम लोगों का इधर ना एक दो तीन उसके बाद चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदाह पंद्रह सोलह तो यहां पर सोलह को हो जा रहा है तो सोलह को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं यानी कहने का मतलब सोलह को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं तो दू गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों आठ में या आप कैसे तोड़ सकते हैं यानी दू गुना आठ या आप कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों चार गुना क्या तोड़ सकते हैं चार में कहने का मतलब या तो आप ऐसे ले लीजिए एक दो तीन हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि चार चार गो सीरीज ले लेते हैं यानी कि अगर यहाँ पर चार गो कट कर देते हैं उसी प्रकार एक दो तीन एक चार यहां पे कट

हम लोगों का बी और एम तो यहां पर अगर एम और बी भर देते हैं तो इस तरीके से भी नहीं बन पाएगा तो देखिए ये प्रश्न जो है इस तरीके से नहीं टूटेगा देखिए यहां पर भले ही सोलह में टूट रहा है लेकिन इस तरीके से सीरीज नहीं बन पाएगा तो फिर कैसे बनेगा ये देखिए आपको बताते हैं एक दो और यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों तीन को कर देते हैं उसी प्रकार एक दो तीन यहां पर कर देते हैं एक दो तीन यहाँ पे कर देते हैं एक दो तीन यहाँ पे कर देते हैं और एक दो तीन यहां पर कर देते हैं तीन तीन को लेंगे तो एक सीरीज बन जाएगा दोस्तों ये देखिए कौन सीरीज बनेगा ये देखिए अभी तुरंत बना के दिखा देते हैं उसके देखिए तो यहां पे भरा जाएगा हम लोगों का ये देखिए एम डबल बी उसी प्रकार से हम लोगों का एम और क्या हो जाएगा दोस्तों डबल बी एम यहाँ पे कर देंगे डबल ए उसी प्रकार एम डबल बी और उसी प्रकार से एम डबल ए उसी प्रकार से यहां पर हो जाएगा दोस्तों एम तो और डबल बी और एम डबल बी उसके बाद उधर अगर सीरीज छूट गया तो एम डबल ए आएगा तो इस तरीके से हम लोग एम उसके बाद आएगा दोस्तों ए उसके बाद बी उसके बाद ए और एम तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट है बहुत सारे देखते हैं स्किप कर देंगे कि सर हमसे हो बे करेगा बनबे नहीं करेगा लेकिन एक बार यदि आप सीख लेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा तो इस प्रश्न का आंसर ए बी एम तो क्या हो, जाएगा? सही हो जाएगा। और ऐसे लिखेंगे कि का इतना होगा ऐसे नहीं, कि खाली आंसर करने से नहीं होगा बल्कि सत्रह नंबर लिख के और आंसर कॉमेंट करेंगे उम्मीद करते हैं दोस्तों को पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर लीजिए अब में घंटी का निशान दिख रहा होगा उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे ओके दोस्तों थैंक यू